हाथरस की तहसील सादाबाद में कलियों के पिता ने अपने 3 साल के मासूम बेटे के सिर को ईंट से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। हत्यारे पिता ने अपनी पत्नी की भी हाथ की नस काटी। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक बच्चे के दादा अम्मा का रो रो कर बुरा हाल है। घायल पत्नी को इलाज के लिए आगरा रेफर किया गया है। ग्रामीणों और पुलिस का कहना है कि आरोपी की मानसिक स्थिति खराब थी, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हाथरस के सादाबाद थाना क्षेत्र के गांव नगला ठाठा की ये घटना है। किस गांव के रहने वाले हैं? ये क्या घटना हुई थी बच्चे के साथ? ईंट मारी है। क्या नाम है उसका जिन्होंने ईंट मारी है? चौहान सिंह। क्या हुई थी? खेत में आयो काम करी के सो बजो और मैं बैठे हूँ मैं के घर में बड़ी शांति है बनो घर मांगे तो आप की लगाई आ रही हूँ मैं क्या देखे ना आए थे बस अगर तो बस ले पाई गई कमरा बंद कर लिया था कमरा बंद कर दो तो उसका लगा नहीं बहू बैठे तो आ जाएगा। और आपकी बहू के भी हाथ काट दिया क्या? बहू को हाथ काट दिया तो क्या नहीं हुई जो ये किट्टू जो है ये कितना कितने मारा किट्टू को एक पता नहीं मारा है जो आप आगे पापा जी मारो है पति पत्नी में लड़ाई चलती थी क्या पहले कभी? ये दवाई वगैरह किसकी खाते थे? नशा का तू नशा पहले भी शिकायत की थी कोतवाली में उनकी शिकायत करी है। अवगत कराना है आज दिनांक 19/11/21 को समय करीब 1600 बजे थाना सादाबाद पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के गांव नौगांव के मजरा नगला थाड़ा के एक व्यक्ति चौहान सिंह पुत्र दीवान सिंह द्वारा गृह कलेश में आकर अपने 3 वर्षीय पुत्र के सर में ईंट मार दी है जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर तत्काल में क्षेत्राधिकारी सादाबाद एवं सादाबाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचे एवं जानकारी प्राप्त की। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम हेतु अस्पताल भिजवाया गया। चौहान सिंह पुत्र दीवान सिंह काफ़ी समय से मानसिक रोगी है जिसका इलाज आगरा में चल रहा है। पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए अभियुक्त चौहान सिंह पुत्र दीवान सिंह को हिरासत में लिया गया है एवं पूछताछ की जा रही है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।